हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ये सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं उठते ही बालकनी आती हूँ, बालकनी गार्डन में घूमती हूँ थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, मेरा बालकनी बहुत ही गंदा लग रहा है, क्योंकि बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बढ़ गए हैं, इसे कटाई छटाई करनी पड़ेगी। और एक रोज़ भी मेरे गार्डन में आज हुआ है। और फ्रेंड्स, ये देखिए रोड कितना सूना लग रहा है, शांत लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो बाढ़ आ गई है ना, इसी वजह से एकदम ही शांत लग रहा है। जबकि 7 बज गए हैं, ये रोड बहुत बिजी होता था, क्योंकि स्कूल बंद है, इसीलिए एकदम ही शांत लग रहा है। और देखिए, मेरी बच्ची बेटी भी सो रही है, लेकिन हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है, इसीलिए वो जग गए हैं। इधर लक्ष्य भी सो रहा है, लेकिन सब कोई सो रहे हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, इसीलिए मुझे किचन में आना ज़रूरी है। मैं किचन आई हूँ और बहुत शौक से आज राजमा को भिगोया था कि राजमा और चावल बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड को लंच में दे रही हूँ चूड़ा, दही, चीनी और कुछ फ्रूट्स कट कर दे रही हूँ। वो फ्रूट्स है नाशपाती और बीट, और 2 गुलगुला रात में बनाई थी, वही मैंने दे दिया जो रात के बचे हुए थे। और यही मैं लंच दे रही हूँ, क्योंकि जो है ना, मेरे यहाँ पानी आया ही नहीं है और 4 दिनों तक कहते हैं पानी नहीं आएगा। उसी टेंशन से मुझे कुछ बनाने का ही नहीं मन हो रहा है, और मुझे पानी और सारा काम है तो पानी का ही काम है, पानी से ही ज़रूरत है, पानी का ही ज़रूरत है, इसीलिए मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। और देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर देख के तो लगता है टमाटर सिर्फ देखते ही रहो और कुछ यूज मत करो, इतना महंगा हो गया है टमाटर। तो अभी मैं राजमा बना लूँगी, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, मैं अभी राजमा बनाऊँगी। इसके लिए टमाटर, लहसुन, मिर्च ये सबको पीस रही हूँ मिक्सी में, उसके बाद मैं राजमा बनाऊँगी। और राजमा बनाकर मैं फ्रेंड्स तब मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि रोटी मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोग भी सो रहे हैं और लक्ष्य जो है ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो ऑनलाइन क्लास के बाद ही वो खाएगा। इसीलिए मैं नहाने चली जाऊंगी राजमा बनाकर। और राजमा आपको पता ही, मैं एकदम ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये राजमा बहुत ही अच्छा था, एकदम ही गल चुका था। और देखिए बनकर तैयार है ये। हेलो गाइस, फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहा लिया मैंने, थोड़ी गर्मी है, उमस जैसी गर्मी यहाँ पे है, और मौसम तो धूप छाव हो रहा है। मैं नहा के फ्रेश हो गई। आज जो है ना, पानी हम लोगों के यहाँ पे आया ही नहीं है, और हम ही लोगों के यहाँ नहीं, पूरे दिल्ली में कहीं भी पानी सप्लाई किया ही नहीं गया है। तो जो पानी पहले से स्टोरेज थी, उसी से मैं सारा काम की हूँ। तो अभी मैं नहा के पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, और अभी मैं रोटी बनाई हूँ थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, बहुत गर्मी लग रही है अभी, बहुत ज़्यादा मुझे, तो मैं सोची थोड़ा सा दिखाऊं आपको कि मैं रोटी बना चुकी हूं, और अभी हम लोग फिर नाश्ता करेंगे। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और फ्रेंड्स, रोटी बन गया है, इधर सलाद भी कट कर लिया है मैंने, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गई है, और ये वीडियो गेम खेल रहा है लैपटॉप में, फिर इसको मैं अभी नाश्ता दूंगी खाने के लिए। और देखिए रिया 11 बज गया और अभी तक सो रही है, ऑनलाइन क्लास भी नहीं की है। और ये देखिए बालकनी का क्या हाल हो रहा है, मैं दिखा रही हूँ, 11 बज गए हैं, बालकनी कितनी शांत लग रही है, देखिए यहाँ पे कितना शांत लग रहा है। जबकि यहाँ पे 11 बजे क्या 10 बजे से ही रेडी, सब्जी वाली रेडी आ जाते थे, सब्जी फल हर चीज़ की, एकदम ही शांत लग रहा है। और ये देखिए, ये पौधा मैं दिखा रही हूँ आपको जूम करके, ये धनिया का जो पत्ता मंगाई थी, तो वो जड़ होता है ना, वो मैं लगा दी थी डंठल, और पौधा उग गया, और बीज भी डाला है मैंने, लेकिन बीज नहीं उगा। और ये देखिए मैं नाश्ता करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं नाश्ता करके जो है ना अपना वीडियो बनाने लग गई थी, इसीलिए मैं सूट नहीं करवाई कुछ। और ये बच्चे लोग दोपहर में चावल राजमा खा पी के आइसक्रीम खा रहे हैं, और इन लोग के खाने के बाद फिर मैं खाना खा रही हूँ। और ये देखिए, यही वीडियो मैं बना रही थी, इसी वजह से मैं दोपहर का वीडियो शूट नहीं कर पाई। अब ये मैं किसके लिए बना रही थी, आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में, तो पता चलेगा। गाइस, जैसा कि मैं अभी दिखाई आप लोगों को, वो क्लिप दिखाया था मैंने, वो शॉर्ट वीडियो का क्लिप है, वो फूड रेसिपी का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ना कुछ दिनों से ही शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये शॉर्ट्स देखने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो। और मैं इसमें अच्छे अच्छे जो है ना स्नैक्स या फिर जो खाना बनाई हूँ, और मैं रोज़ ही डाल रही हूँ शॉर्ट्स वीडियो, और आप लोग देखना, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। और मैं इसी वजह से लॉन्ग वीडियो रोज़ नहीं डाल पाती हूँ, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा वो शॉर्ट्स जो मैं डाल रही हूँ। और गाइस, आपने मैंने जो टाइटल में दिया है ना कि दिल्ली में बाढ़ से हुआ बुरा हाल, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो गाइस ये सच में यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आ गया है, बहुत ज़्यादा। यमुना नदी
में जो है ना बारिश के कारण जो है ना पानी बढ़ गया और बाहर आ गया है, तो जो नदी के किनारे जो एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा पानी है। और हम लोग, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे पानी तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी अफेक्टेड हैं उस बाढ़ के से। सबसे पहले अफेक्टेड क्या हो गया है फ्रेंड्स, कि देखिए सबसे पहले जो है ना स्कूल बंद हो गई बच्चे की, गवर्नमेंट और पब्लिक सारे स्कूल बंद है यहाँ पे, 2 दिनों के लिए बंद करा दिया, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो गया तो कहीं खतरा था, इसी वजह से बंद करा दिया। अब फ्रेंड्स क्या हो गई है कि न्यूज़ में आ गया कि 4 दिनों तक पानी नहीं आएगा। अब खाना खाए बिना तो इंसान रह सकता है, लेकिन अगर पानी नहीं आए तो क्या करेगा इंसान, सोच लो आप। लेकिन हर काम के लिए ही पानी ही चाहिए, खाना बनाओ या फिर खाओ या पियो या फिर नहाओ, कुछ भी, ये घरेलू काम के लिए ही पानी चाहिए, और वो पानी ही नहीं दे रही है सरकार। वो 4 दिनों के लिए पानी बंद कर दिया गया है, तो हम सभी को, हम लोग सबको टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है 4 दिन तक बिना पानी का रहना। और हम लोग के पास बहुत ही स्टोरेज तो पानी का है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक टंकी है, एक टंकी में भी पानी हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने टैंकर मंगाया है, मतलब कि पानी खरीद कर लाए हैं हम लोग सबको ही, और उसी से हम लोग का गुजारा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी में, क्योंकि 4 दिनों तक बोला है कि पानी नहीं आएगा और आगे भी पानी की किल्लत हो सकती है, न्यूज़ में ये आया है। तो फ्रेंड्स हम लोग का बहुत ही बुरा हाल हो गया है यहाँ पर रहकर, और आप लोग ये भगवान से प्रे कीजिए कि पानी जल्दी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, और यहाँ का बाढ़ जो है ना कम हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं साइड में एक वीडियो का क्लिप डाली हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पे जो है ना, ये शनिवार के शाम का क्लिप है, शनिवार के शाम को 6:15 बजे 6 बजे बारिश हुई थी, और आधे घंटे के बारिश में इस गली का ये हाल हो गया है, आप लोग देख रहे हो ना कि बहुत तेज़ बारिश हुई है, आधे घंटे में ही कमर तक पानी हो जाती है मेन रोड पर। ये तो हम लोग की गली है, तो फिर भी पानी यहाँ पे है, कम है तो चलो, गली भी है, रोड भी है, मेन रोड नहीं है तो यहाँ भी घुटना तक पानी है, आप लोग देख ही रहे हो, और इतना मुश्किल हो जाता है सारा काम करना। और मेरी बेटी भी ट्यूशन गई है, और बहुत कोई घर से बाहर होंगे, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, वो लोग कैसे आएंगे इस पानी में, और ये पानी इतना मुश्किल हो गया यहाँ पर रहना। और हालांकि ये पानी कुछ देर में वो पास हो जाती है, लेकिन 1-1.5 घंटा लग जाता है इसे पास होने में, अगर बारिश नहीं हुई तो। अगर बारिश कंटिन्यू होते रही तो फिर इसे और ज़्यादा ही टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे यही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है एकदम। यहाँ पे रहना आप कह सकते हो कि बारिश इतनी है और हम लोग को पानी नहीं है, हम लोग पानी खरीद कर यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ की स्थिति है अभी, आप लोग प्रे करो भगवान से कि जल्दी से जल्दी यहाँ की स्थिति ठीक हो जाए और नॉर्मल लाइफ सब कोई जी सके। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।